गाइस देखिए नदी कितना बढ़ गया है, सो हमें यहाँ एक पुल बनाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। सच बोलूँ तो इसे देखकर मुझे बहुत काफ़ी घबराहट हो रही है, पर पार तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक टावर से जाना पड़ता है दोस्त, तो सोच लीजिए। वो बढ़िया वाला झरना इसको देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया। ले रहा है बोलो। अच्छा से जाइए, आप थोड़ा रुकिए, हम आपका भी उसमें डाल देगा, उसको भैया को पहले जाने दो। ये है 32 सीरी जो सेकेंड ट्रिप में मिलता है रास्ते पे। ऐसे सीरी बहुत रास्ते में मिलेगा, सो ये पहला सीरी है। और ये हम लोग का कैप्टन सर बीड़ी मांग रहे हैं। बहुत मुश्किल है भैया, उतना भी पहुंच गया। तर्जन बाबा का घर ना, तो ये है तर्जन बाबा का घर, पहाड़ों के बीच में यहाँ, और कोई नहीं रहता, सिर्फ एक घर। खेती करता है क्या पूरा? नहीं करेगा ना, सही को मायने रहे, इतना दूर में भी काफ़ में इकला देखना कोई भी नहीं सोच सकता। साल हो गया, 30-40 ईयर्स हो गया भाई। बीमार होने से भी कौन देखने आएगा इधर? रेस करो, एक घंटा आधा लगता है अभी सामने। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में घर, एक सिंगल बस्ती में एक सिंगल घर जिसमें रहता है तर्जन बाबा। और ये है तर्जन बाबा का बगान। ठीक है, चारों तरफ जंगल, सिर्फ एक घर, वो है तर्जन बाबा का। कोई यहाँ कैसे रह सकते है? पूरा पहाड़ देखिए, और ये इनका बागान, चारों ओर पहाड़। पूरे जिंदगी में मैंने पास्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग लगभग 6 घंटे से पहाड़ी पर चढ़ाई करके आया हूँ, और यहाँ मिला एक बस्ती जहाँ सिंगल एक घर,
नौका सपना पूरा हो गया सपना पूरा हो गया नौका तो ये है तालिम बाबा का और ये है तालिम बाबा एक बार नौकर ले लिया उनका सपना पूरा यही जगह है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रिश्ता है ना बढ़िया तो आज दिन को यहाँ पे आना पड़ा फिर वापस आएगा यहीं से ना तर्जन बाबा तो इधर है एक बार याद आएगा ना